नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। हार कर जीतने वाले को अफगानिस्तान कहते हैं। जी हाँ, पहले मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा भारतीय टीम से और दूसरे मैच में क्या गजब का कमबैक किया है अफगानिस्तान की टीम ने। ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी टूर्नामेंट्स में पहली दफा हरा दिया है अफगानिस्तान की टीम ने। 21 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा और इस वक्त एक वीडियो काफी ज्यादा चर्चा में है। बस में डांस करते नजर आए, वो सेलिब्रेट करते नजर आए। वहां पर कई सारे खिलाड़ी थे, राशिद खान थे, गुरबाज थे, हर कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद था और चलती बस में ये सारे खिलाड़ी जो है वो डांस करते नजर आए। काफी ज्यादा अपने आप में एक बड़ी चीज होती है जब आप लगातार, हम कहते हैं ना कि मैचेस हारते हैं, और साल 2022 में भी T20 वर्ल्ड कप खेला गया था जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अफगानिस्तान को हरा दिया था। अब देखिए, जो बदला होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके दिल में जरूर होता है, आपके मन में जरूर होता है कि वो बदला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम का घमंड जो है वो तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी गेंदबाजी कमाल की है, वो हमेशा मैच को जीतते हैं और जीत कर भी आए हैं। चाहे वो वनडे की बात कर लीजिए, चाहे वो WTC की बात कर लीजिए, वो टीम अपने आप में एक अलग अंदाज में नजर आती है। लेकिन आज अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, एक अंडरडॉग्स टीम मानी जाती है, लेकिन वहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। चाहे वो गुलबदीन हो, चाहे वो नवीन हक हो, हर किसी ने अच्छा स्पिल किया और टीम को जीत दिलाई। लास्ट ओवर तक ये मैच गया जहां पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा। और ये वीडियो इस वक्त चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये तीसरी बार दोनों टीमें आमने सामने थी। दो मैच जो हुए थे T20 वर्ल्ड कप और पिछला मैच आपको याद होगा ODI वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर वानखेड़े स्टेडियम में मैक्सवेल ने एक पैर के दम पर यानी कि इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद भी 200 रनों की पारी खेली और मैच को अपने नाम कर लिया। तो वहां से वो टीम हार गई थी अफगानिस्तान की टीम, और तीसरी दफा दोनों टीमें आमने सामने थी जहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने बदला ले लिया है। और देखिए, बायलेटरल सीरीज के लिए हमेशा ही अफगानिस्तान की टीम जो है वो न्योता देती है ऑस्ट्रेलियाई टीम को, लेकिन हमेशा से ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तालिबान का जिक्र करते हुए इस बात को नकार दिया और अब ये बदला जो है वो पूरा हो चुका है अफगान टीम का। और वहां पर राशिद खान की कप्तानी गजब की रही है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर रोटेशन किया, गेंदबाजों का रोटेशन किया और वहां पर फील्डिंग गजब की थी यहाँ पर पाकिस्तान की टीम की। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो 5 कैचेस छूटे हैं इस टीम ने छोड़े हैं और डबल डिजिट का आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 3 खिलाड़ियों ने बनाया। तो इस टीम के लूप होल्स कई सारे रहे हैं। सबसे पहले तो फील्डिंग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की खराब रही है, साथ ही साथ बल्लेबाजी की बात करें तो ट्रेविस सिड जो तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उनका बल्ला नहीं चला, डेविड वार्नर नहीं चले, मिचेल मार्श जो कि कैप्टन उनका बल्ला नहीं बोला, मैक्सवेल एक तरफ से अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए थे लेकिन उसके बाद उनका साथ नहीं मिला और ये टीम जो है वो 21 रनों से हार गई है। और दूसरी बार ये दोनों टीमें आमने सामने थी जहां पर अफगानिस्तान की टीम ने इस मैच को अपने नाम कर लिया है। और ये वीडियो उस वक्त चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि अफगानिस्तान की टीम अपने आप में कहीं ना कहीं अंडरडॉग्स कही जाती थी और इस तरीके से कमबैक करेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने है और शायद ये मैच ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाएगी, लेकिन अफगानिस्तान ने अपना दमखम दिखाया और ये वीडियो अपने आप में प्रमाण है कि इस टीम में कितना जोश है, कितना उमंग है और लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको इस मैच को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए।